वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं गुजिया दिवाली स्पेशल। पाव किलो एक वाटी भर के हमारी इसको हम भूनेंगे। चले जी ये हमारा रवा भून गया है, बस हमें इतना ही भूनना था। इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी शुगर, जितना हमें मीठा खाना है उसके हिसाब से, जितनी हमारी क्वांटिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग हम शुगर डालेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने खोपरे का पाउडर ली हूँ। कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल ली हूँ, उसको मैंने तवे पे हल्का सा गोला आए तक खसखस और सफ़ेद तिल हम भून के डालेंगे, इसको अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। यहाँ पे ऐड करेंगे चारोली, पिस्ता, बादाम तो मैं ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं 100 ग्राम खोया डाल रही हूँ मावा, ये पूरा ऐड करेंगे हम अच्छे से और अच्छे से पूरा फुल मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हम एक मिनट तक स्लो फ्लेम पे। और हरी इलायची है तो उसका पाउडर डाल दें, अगर से आप स्किप करना चाहें तो ना डालें। चले जी हम गुजिया के लिए अपना डो बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मैदा एक वाटी पूरा भर के, आपकी जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग सारा सामान डालें। यहाँ पे मैं जो हमने रवा भुने थे वो मैंने थोड़ा निकाल ली थी भुना हुआ, तो इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ वाटी। यहाँ पे हम गेहूँ का आटा भी मिक्स करेंगे हाफ वाटी, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, यहाँ पे हम घी ऐड करेंगे हमारा 50 ग्राम। इन सबको हम हाथ की हेल्प से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लिए, अभी सूखे में ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया है, देखिए इतना सॉफ्ट बनाना है। ठीक है चले अब हम अपने गुजिया की तरफ। यहाँ पे हम रोटी की शेप दे देंगे, रोटी की शेप देने के बाद ये कटर के ऊपर चेक करेंगे कि हमारे इस पर फिक्स हो रहा है कि नहीं, और ये अच्छे से फिक्स हो रहा था, बहुत अच्छा शेप भी आ रहा था। अब हम इसके अंदर जो हमने बनाए थे फिलिंग के लिए, तो अब इसके अंदर एक चम्मच फिल करेंगे और इसको प्रेस करके साइड से हम निकाल देंगे और पीछे से इसका जो है एक्स्ट्रा वो नहीं निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा शेप हो गया। तो चले यहाँ पे मैंने शेपर की हेल्प से सारी चीज़ को शेप दे दी हूँ और इतना अच्छा ये ब्यूटीफुल लग रहा था। और चले हम इसको अब फ्राई करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सैंपल भी बनाई थी खुद के हाथों से, तो आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं और उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम फ्राई करते हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म है और मैं वन बाय वन गुजिया डाल रही हूँ, जो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे देख के, बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे मैं जितने एग्जस्ट होते हैं मैं सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से, और इसको स्लो पे ही हम पकाएंगे। अगर से जब ये बन जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसकी ये साइन है कि ये पक चुका है, अभी ये तेल के नीचे है, तो हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी गुजिया ऊपर आ गई है, ये इसकी साइन है कि ये ऑलमोस्ट हमारा अंदर से पक गया है। अब हम इसको पलट देंगे, दोनों साइड से इक्वल कलर लेंगे, हमारे गैस की वॉल्यूम को हम फास्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे गुजिया का अच्छा कलर आ गया है, ये गोल्डन हो गया। इसमें मैं दो शेप में बनाऊंगी, एक थोड़ा सा डार्क कलर दूंगी और एक थोड़ा सा लाइट कलर दूंगी। जिसे लाइट कलर खाना है वो लाइट कलर में खा ले और जिससे डार्क में पसंद है तो वो डार्क में खा ले। तो यहाँ पे मैं ये डार्क शेप वाला निकाल रही हूँ और दूसरा मैं बताऊँगी आपको लाइट शेप वाला। तो यहाँ पे मैंने डार्क शेप निकाल ली, अब मैं लाइट शेप के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे सारे एक एक करके हम एडजस्ट करेंगे, इसके अंदर जितना ऑयल के अंदर आ सकता है हम अपनी गुजिया को उसमें ऐड करेंगे। और इसको पहले डिम पे फ्राई करेंगे, फिर फास्ट पे फ्राई करके हम इसको आपको दिखाते हैं हमारा फाइनल लुक गुजिया का कैसा है।
यहाँ पे देखिए हमारी गुजिया एकदम ऊपर आ गई है तेल के ऊपर, मतलब ये इसकी साइन है कि ये पक चुका है। और इसको वन बाय वन हम इसको पलट लेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से सेकने के बाद हम इसको वन बाय वन करके निकाल लेंगे और इसे हम टिश्यू पेपर पे या कोई भी पेपर पे रख के निकाल लें। और इसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं आपको हमारा गुजिया का। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फाइनल लुक है गुजिया का, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस ये बना हुआ है। जितना ये ब्यूटीफुल दिख रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है। आई होप आपको ये रेसिपी समझ में आई होगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई हूँ। अगर से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। और आप हमें ये भी सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम क्या बनाएं आपके लिए। यहाँ पे मैंने दो कलर दी थी, एक डार्क ब्राउन कर दी थी और एक लाइट ब्राउन, ये डार्क ब्राउन है। आपको जो कलर में पसंद है आप इंजॉय करें। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।